समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद मैनपुरी संसदीय सीट खाली हुई थी और इस सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए गुरुवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव के नाम का ऐलान किया है। इस सीट पर डिंपल यादव की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है। इसको लेकर विपक्ष की पार्टियां लगातार हमलावर हैं। बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा कि मैनपुरी इटावा से जो भी कैंडिडेट होगा वह अखिलेश यादव के परिवार से होगा। वहीं तेज कुमार यादव अपने बयान में बार बार ये कहते हुए दिखे, अब की बार समाजवादी पार्टी का ही परचम लहराएगा। सीट को लेकर काफी गहमा गहमी के बाद आखिरकार डिंपल यादव के नाम पे आखिरी मुहर लग गई। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हैं। क्या कुछ कहा अनुराग भदौरिया ने, आइए सुनते हैं उनसे। ये क्लियर हो गई, अब आगे की कैसी रणनीति रहेगी, क्या रहेगी? इस कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं पार्टी के फैसले को लेके, और इस बार आप देखेंगे मैनपुरी का चुनाव में समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीतेगी और एक इतिहास कायम होगा। डिंपल यादव का छवि एक बहुत साफ सुथरी रही, तो क्या आपको लगता है कि डिंपल यादव के चेहरे पे ही मैनपुरी का टिकट जो है क्लियर? देखिए, पार्टी का फैसला है और कार्यकर्ता की मांग है, कार्यकर्ता खुश है तो कार्यकर्ता जब खुश होते हैं तो उसी के हिसाब से पार्टी फैसला करती है। तो इसलिए आप देखेंगे कि मैनपुरी में इस बार इतिहास बनेगा। क्या जसवंत नगर सीट पे भी ऐसे ही मैनपुरी में इतिहास बनेगा? सब आप देखिएगा जिस तरह से जीत होगी। आप कब जा रहे हैं? अब जब अब ऐलान हो गया अब सब पहुँचेंगे धीरे धीरे। ये थे अनुराग भदौरिया, जिन्होंने स्पष्ट किया कि आगे जो भी रणनीति तैयार होगी वो कहीं कहीं समाजवादी पार्टी के लिए मुहित करोगी। प्रशंसाकेत के साथ शुभकांत श्रीवास्तव, एमकेएन न्यूज, लखनऊ।